पिक्चर में भी दिखने वाले हो। अजी सर अजी अरे वाला बंद कर, नहीं नहीं रुकिए रुकिए वेरी वेरी ब्लेस्ड यार, ये फिल्म मुझे मालूम था कि अच्छा करेगी, तो इतना अच्छा जो कर रही है, आई थिंक इट्स एवरीबडीज एफर्ट एंड आई थिंक ये द डायरेक्टर इज़ वेरी गुड, यू नो क्लियरली, एंड आई थिंक द रिस्पॉन्स मिला, ऑडियंस हैज गिवन अ गुड वर्डिक्ट, सो वी आर वेरी हैप्पी विद इट। आई एम वर्किंग इन अ ओटीटी, दिस इज समथिंग फ्रेश फॉर यू, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन? आई थिंक वी वर्क एज अ As an artist, I work as an artist, तो मैं कलाकार के जैसे ही काम करता हूँ, तो मेरे लिए कोई मीडियम इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। डायरेक्टर खुश हो मुझसे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली मैंने सबसे ज़्यादा अपने करियर में थ्रिलर्स किया, जिद थ्रिलर थी, 24 थ्रिलर था, तो थ्रिलर मुझे एज इट इज़ बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैंने बेजाद के साथ भी जो फिल्म की थी वो भी एक थ्रिलर ही थी, ब्लैंक, तो मुझे तो बहुत पसंद है, बट ऑब्वियसली इफ़ यू टॉक अबाउट द मैसेज दैट्स डिफरेंट, तो वो हमारी वो इनिशियल थॉट थी उसकी, एंड उसके ऊपर उसने पूरी बेजाद ने पिक्चर को माउंट किया। I don't think anytime soon, but there are talks for something great coming up, but that's a big surprise for everybody. What is your wish, to work as a song or as a OTT platform or as a serial? See, I you know, I like working with friends like Behzad, so Deva is a friend of mine. In fact, jitna bhi Saak ka team hai, to unke saath mujhe agar opportunity milegi kaam karne ki, I would love to work with them. They are very good actors. मैं देखूंगा लेकिन जाऊंगा नहीं। अगर चांस मिला तो आपको मैम के साथ जाने के लिए? नहीं, मुझे आपकी मैम के साथ नहीं, नहीं नहीं, मैं मुझे ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आने भी नहीं वाला है, नॉट माय इंटरेस्टेड। थर्सडे के बाद, नेक्स्ट वीक मैं बात करूंगा उसके बारे में सर, प्लीज़, थैंक यू गाइस।